तो बाबा बोल रहा था, अब प्रधानमंत्री बोल रहे भाई स्वदेशी से ही आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, स्वावलंबी भारत बनेगा। लोकल को ही ग्लोबल करना है। ये जो आज ग्लोबल है ये भी कभी लोकल थे। अपने देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और थकना नहीं है, हारना नहीं है, किसी भी तरह से घबराना नहीं है। से कहूंगा भैया, पहले ना समझ में आए तो अब समझ लो। पहले एक फकीर कह रहा था, अब तो वजीर भी कह रहा है कि भाई स्वदेशी को अपनाओ, स्वदेशी खरीदो, और खरीदो नहीं, स्वदेशी का प्रचार करो, सबसे कह रहे हैं। पहले तो स्वामी रामदेव प्रचार कर रहा था, उसके लिए तो पैसे भी खर्च करने पड़ रहे थे, कैंपेन चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया हमने। एक मुकदमा चला गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, बोले पतंजलि ब्रांड का भी प्रयोग नहीं कर सकते स्वामी रामदेव, तो कोर्ट ने फैसला दिया। फिर डबल बेंच ने फैसला दिया कि नहीं, पतंजलि ब्रांड है, ठीक है, वो जेनरिक नेम भी है, वो एक ऋषि का नाम भी है, लेकिन इसके लिए एक व्यक्ति ने जीवन लगा दिया है, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, हजारों करोड़ का उसके लिए दांव पर लगाया है, लोन लेकर के बैंकों से। जो फकीर भिक्षुक भिक्षा मांग करके और देश धर्म संस्कृति के लिए काम करते थे, हमने कर्ज लेकर के इस स्वदेशी के फर्ज को निभाया। तो कोर्ट ने भी कहा पतंजलि एक ऋषि का नाम भी है, लेकिन पतंजलि एक ब्रांड भी है, और उसको खड़ा किया है आचार्य बाक्षण और स्वामी रामदेव ने, पतंजलि ने, योगपीठ ने, पतंजलि आयुर्वेद ने। बहुत संघर्ष थे इसमें। अब सभी से कहूंगा खुद स्वदेशी का प्रचार करें, कम से कम 100-200 लोगों को बताएं आओ हम सब मिलकर के स्वदेशी अपनाएं। और ये स्वदेशी विदेशी की पहचान की भी हम पूरी सूची जारी कर देंगे। अब तो हमारा हौसला बढ़ गया है, अब बल मिल गया है, और लोगों की भी समझ में और ज्यादा आएगी कि पतंजलि कह रहा था प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं, देश बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम उपकार के लिए काम कर रहे हैं, उपचार के लिए काम कर रहे हैं, व्यापार के लिए नहीं कर रहे हैं, ये स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अर्थ से परमार्थ की, प्रॉस्पेरिटी से चैरिटी की यात्रा है हमारी, और इसमें सब लोग जुड़े, औरों को जोड़े।